Hey guys, welcome back to new vlog. कैसे हो? क्या हाल चाल है? Guys, आप में से बहुत सारे लोगों को है ना मेरा लास्ट वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा. मुझे ना बहुत एनकरेजमेंट मिलती है आपकी इतनी प्यारी प्यारी कमेंट्स पढ़ के. और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन तक ये वीडियो पहुंच भी नहीं रहे हैं. पता नहीं क्यों ऐसा नोटिफिकेशन का इशू आ गया है यार. जैसे कि मैं दो दिन पहले शोभी शोभू कर एक फेलो यूट्यूबर फ्रेंड है उनसे बात कर रहा था. उन्होंने मुझे पूछा कि क्या बात है भाई वीडियोस अपलोड नहीं करो. मैंने बोला क्या बात करो भाई, दो तीन वीडियो मैंने बैक टू बैक डाले हुए हैं. उन्होंने कभी फोन चालू था और उनके डेस्कटॉप पे अपना चैनल मेरा खोला और चेक किया कि मेल नोटिफिकेशन तो ऑल सेलेक्ट किए हुआ है बट मेरे को कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है. पता नहीं क्या इशू है यार. बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ में ये तो बहुत चीज कॉमन है बट हम जैसे क्रिएटर्स जो जिनकी रीच ज्यादा नहीं है उनके साथ में भी ये इशूज आ रहे हैं. मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वेरीफाई कर दो एक बार मेल नोटिफिकेशन ऑन है कि नहीं. अगर ऑन ऑलरेडी किया हुआ है ना तो एक बार अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करके वापस एक बार चेक करो प्लीज. तो गाइस मैं निकल पड़ा हूँ अर्नाला जाने के लिए. यहाँ से मैं तो एकला जा रहा हूँ बट आते वक्त मैं बेकला आऊंगा क्योंकि मेरी वाइफ ज्योति गई हुई है उसके घर. एक हफ्ता हो गया और अर्नाला जो बीच है उनके घर से जस्ट हाफ एन आवर ड्राइव की दूरी पे है. तो वो लोग सब आएंगे अर्नाला बीच पे, मैं भी वहाँ पे जाऊँगा. दोपहर को एकदम मस्त उनकी खाना खाएंगे और वहाँ से ज्योति और जय मेरा साला हम लोग मेरे घर पे आएंगे. जय घूमने जाने वाला है. तो आज का प्लान ऐसा है, आ गए हम डीजल भराने. यहाँ पे ये है ऐरोली वाला मैकडोनल्ड्स. इस मैकडोनल्ड्स की बहुत अच्छी स्टोरी है. मैं और ज्योति एंगेजमेंट के बाद में पहली बार यहाँ पे मिले थे. गूगल माता जी का कहना ये है कि भाई तू अभी जा रहा तो और सही है बट आगे जाके थाने क्रॉस करके गोडबंदर रोड जैसे ही पकड़ेगा जबरदस्त फंसने वाला है, बहुत ट्रैफिक है आगे. हिसाब से यहाँ पे ट्रैफिक जबरदस्त थी बट जैसे ही मैं यहाँ पे पहुंचा ट्रैफिक गायब. बहुत अच्छा हुआ आज हमारे नसीब अच्छे हैं. और इस तरह से हम फंस चुके हैं यार. खामोखा खुश हो गए थे हम लोग गूगल आंटी की बात से. गूगल आंटी सही रहती है यार. ये जो साइड में ब्रिज दिख रहा है ना उसका कंस्ट्रक्शन क्या मालूम कितने सालों से चल रहा है. जब तक ये कंस्ट्रक्शन फाइनलाइज नहीं हो जाता, पूरा नहीं हो जाता, तब तक मुंबई से बाहर निकलने वालों की हालत ऐसे ही रहेगी. और ये ट्रैफिक को हम पार करते हुए निकल पड़े हैं हमारे मंजिल की तरफ. यार ट्रैफिक में से बाहर निकलने की जो खुशी होती है ना स्पेसिफिकली फोर व्हीलर वालों के लिए, इतनी खुशी होती है क्या बताऊं. इतनी खुशी इतनी खुशी मुझे आज तक. जय खड़ा है यहाँ से लेफ्ट ना. अरे काचो रस्तो आवी गयो तो रे एकदम आवी गयो बीच. हाँ आवी गयो आवी गयो. ये आ गई हमारी मोहतरमा. कैसे हो मैडम? बस मजे में. मजे में. कितने बजे निकले? अरे 8:15 बजे निकला था हमारा भाई. बेकार ट्रैफिक तो हम लोग एक हफ्ते से मायके में थी, मुझे लेने के लिए आए हैं.
आपकी ऊंट की सवारी मैडम? बहुत डेंजर थी, मुझे तो दया आ रही थी मेरा पूरा पेट हिला दिया उसने हंस हंस के। ऊंट बोट दिखाई दे रही है क्या वहाँ पे? ना वो अंदर फिशिंग के लिए जाते हैं, ये अरनाला बीच उसके लिए तो फेमस है ना फिशिंग के लिए। हाँ लास्ट टाइम हम लोग बीच में गए थे होली में, अलीबाग बीच में, ऑलमोस्ट एक साल हो गया और आज बीच का नज़ारा देखते हुए है ना। मेरा फेवरेट प्लेस बीच ही और होली टॉप है, मुझे हिल स्टेशन वो सब अच्छा नहीं लगता। मतलब मुझे हिल स्टेशन भी अच्छा लगता है पर दसी बीच में भी मज़ा ही आता है। बीच अच्छा लगता है और कभी हिल स्टेशन जाना हुआ तो नहीं जाने का ना, मैं अकेला जाके आऊँगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अरे हाँ यार इसको है ना ठंड की इतनी एलर्जी है, ये पंखा मुझे ठंडी लगती है। पंखे का बटन चालू भी देख लिया ना, भले एक नंबर पे ऊपर घूमता रहा ये। मेरे को ये अभी का जो ये मौसम है ना, मेरे को एकदम मेरा एकदम फेवरेट मौसम है। दोनों का स्वभाव इस बारे में बहुत अपोजिट है, ज्यादा गर्मी लगती है मुझे ठंडी लगती है, और हमारे रूम में यही हमारा झगड़ा चलता है। फिर भी मेरे को कितना आधे एक घंटे के लिए एसी चालू करने देती है, बाद में वही क्या कर रहे हैं, यही प्रॉब्लम होता है। हस्बैंड को ही नीचे झुकना पड़ता है इन लोगों के सामने, क्या बोलने का बोलो। मस्त भाई की पेट भर के खाना खाया, मजा आया एक नंबर, मुझे भी बहुत मजा आया। अब कुछ टाइम पे अलीबाग तो जाना ही है, 2 महीने के बाद। हाँ यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना तो मुझे लग रहा है कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा ना तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। कैसा लगा कोई सजेशन हो तो नीचे मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ आपको मालूम है। और हाँ सब्सक्राइब करे बिना रिटर्न नहीं जाना है, सब्सक्राइब करते हो क्या करने मालूम है, वो जो 3 बेल आते हैं ऊपर वाले रहे ऑल, उसको क्लिक करने का मत जाने लाइफ जीने का। चलो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, बाय।